दोस्तों ये है अल कुरैश की टीम और फहीम भाई लड़ाने जा रहे हैं, हमारे लेफ्ट साइड वाले जो हैं हमारे फहीम भाई, बहुत ही तगड़ी जो इसे कहते हैं टक्कर दे रहे हैं ये अल कुरैश वाले। और लखनऊ की स्पीड है, लखनऊ की अल कुरैश है, चलिए देखते हैं। हालांकि 7-6 से ज़रूर पीछे हैं लेकिन पूरी टक्कर दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। चलिए दोस्तों फहीम भाई का पेस दिखाते हैं, 7-6 का स्कोर है, स्पीड आगे। दोस्तों 7-6 से स्पीड का क्लब आगे तो जरूर है, लेकिन तारुफ भाई को ये अच्छी तरह से पता है कि कहीं भी ऊंच नीच हुई तो पहले ही राउंड में हो सकती है बाहर स्पीड। अगला पेस ले रहे हैं स्पीड से तारुफ। चलिए दोस्तों बहुत ही तगड़ा मैच है ये, दूसरा दिन है और नीचे से तारुफ बढ़ रहे हैं। स्पीड का क्लब लखनऊ एक पेस से आगे, ऊपर से रख रहे हैं फहीम भाई अल कुरैश, 6 पतंगों से वो पीछे हैं, मतलब 6 पतंगे उनने काटी और 7 पतंगे काटी हैं स्पीड ने। बहुत ही बड़ा पड़ाव है ये, पहला ही पड़ाव है और पहले ही पड़ाव में स्पीड को काफ़ी ज़्यादा टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। तारीफ अंदर बढ़ते हुए तिरछा कराते हुए बिल्कुल लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए तारुफ की है, कैसे चमकाते हुए अंदर लेके आ रहे हैं, खड़ी पतंग करते जा रहे हैं। फहीम अंदर की तरफ अब बढ़ रहे हैं, देखते हैं। कुरैश के फहीम, नीचे हैं तारुफ, पहला राउंड है ये और पहले ही राउंड में इतनी ज़्यादा टेंशन और टक्कर है कि क्या ही बोला जाए। पतंग हल्के हल्के खड़ी कराते ला रहे हैं तारुफ, देखिए तारुफ ने बाहर दिखाया, उन्होंने नीचे रखा, फट किया, इन्होंने रोका, तेज खींचा है। तारुफ ने बेहतरीन पेच काटा है ये, फहीम भाई ने बाहर मार के गलती किया, बिल्कुल नीचे मुड्ढा होता तो कुछ काम हो सकता था, या पलट के अंदर खींच देते, थपक देते तो कुछ काम हो सकता था। और ये स्पीड हो गई है 8-6 से आगे, अब सिर्फ स्पीड को एक पेच काटना है तो वहीं अल कुरैश को काटने होंगे पूरे 3। लेकिन एक हो गई है दिक्कत, शायद पैर बाहर हो गया है, अजमी भाई चेक करेंगे, आइए देखते हैं, अजमी भाई से जानते हैं। अगर पैर बाहर हुआ तो स्कोर जो हो जाएगा 7-7 का, चेक करते हैं। अजमी भाई चेक कर रहे हैं, हमारे डिसीजन ही नहीं का रहेगा, देखते हैं। दोस्तों देखिए तारुफ खींच रहे हैं, पीछे समीर खाने ध्यान से देखेंगे हम लोग। चलिए अब यही फैसला करेगा कि क्या वो 8-8 होगा, माफ कीजिएगा 7-7 होगा या 8-6 होगा। चलिए तारुफ देखिए ये खींचते हुए आए, क्रीज नहीं दिखा है। हाँ जी देखते हैं, क्रीज नहीं दिख रही है। दोस्तों बहुत ही शानदार पेस तो काटा था हमारे तारुफ भाई ने, पूरा मन बना के अच्छा पेस काटा, बढ़िया। लेकिन क्रीज आउट होने पे आपका काटा हुआ पेस सामने वाले यानी अपोनेंट को दे दिया जाता है, अपोनेंट को दे दिया जाता है। तो ये साबित कैसे हो, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत थी, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत थी, समझ नहीं आ रहा था। चलिए मैं आपको अपनी वीडियो से दिखाता हूँ कि क्या हुआ था।
दोस्तों बहुत ही मशक्कत करने के बाद ये साफ साफ अब दिखा जाकर कि क्रीज आउट है हमारे तारुफ भाई, और ये पिच जाके मिला है सीधा सीधा अल कुरैश को। स्कोर हो गया 7-7 की बराबरी पे, तो कहीं ना कहीं अब दिक्कत है। मुश्किल ये है कि एक ही पेज बचा है समीर का, तो वहीं एक पेज बाकी है ताबिश का। चलिए देखते हैं क्या ताबिश रोक पाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, 7-7 का स्कोर बराबरी है, अल कुरैश वर्सेस ताबिश भाई। ऊपर से पेज ले रहे हैं, तारुफ भाई ने जरूर पेज काट दिया था लेकिन वो क्रीज आउट हो गए थे जिसकी वजह से 7-6 का स्कोर हो गया 7-7। नीचे से अल कुरैश, चलिए नीचे रखा है बिल्कुल झोल पे। ताबिश भाई बहुत दूर से खींचते हुए आते हैं, ये चीज़ मैंने देखी है ताबिश भाई में, जिसकी वजह से कई बार वो कट भी जाते हैं। हालांकि गद्दा बहुत ख़तरनाक होता है इनका। धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं अल कुरैश के मेंबर, और बहुत ही कांटे की टक्कर है। ये पहला ही राउंड है और अल कुरैश ने पूरी तरह से जवाब दिया है। चलिए इस टीम से अभी फ़िलहाल आलोक भाई किसी वजह से नहीं लड़ा रहे हैं। इस टीम में है तारुफ, समीर और ताबिश। ताबिश का पिच चल रहा है, चलिए दोस्तों थोड़ी सी अब्यूजिव वर्ड जो है सुनाई पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये खेल जो है पीछे ही रहेगा। लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं सिगरेट, पान, मसाला, इसकी वजह से ये खेल पीछे ही रहेगा। मैं भी एक नंबर का फालतू हूँ जो ये गेम कवर कर रहा हूँ। खैर मुझे उनको सिखाना है जो सीखना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये पेस दिखाने पड़ रहे हैं। चलिए मुँह में गुटखा भरा हुआ है, शर्म भी नहीं आ रही है कि वीडियो में कर रहा हूँ और पीछे चबाए पड़े हैं, कैसे समझाया जाए भाई। खैर चलिए यहाँ पे कांटे की टक्कर चल रही है। ताबिश ऊपर से नीचे की पतंग उतार रहे हैं और राइट साइड वाली पतंग है अल कुरैश की, जो कि नीचे से पेच लिए हुए हैं, आगे खड़े हुए हैं। क्या होता है देखना है, काफ़ी टाइम लगा रहे हैं यहाँ पे, एक तरह से थका रहे हैं कहीं ना कहीं ताबिश हमारे, और हमारे अल कुरैश के प्लेयर भी तेज़ और तर्रार। हल्के हल्के हाथों से पतंग अपनी ताबिश आगे बढ़ा रहे हैं, यानी दूर करते जा रहे हैं, जिससे कि जब वो गद्दा मारे तो पूरा ताकत से आए पतंग। और जबकि अल कुरैश की पतंग देखिए वहीं है जहां थी, हल्का सा बाहर निकाल रहे हैं अल कुरैश के प्लेयर। ताबिश ऊपर से, थोड़ा देर हो रहा है, देखते हैं। चलिए ताबिश नीचे लेके आ रहे हैं, वो भी पतंग अंदर की तरफ चढ़ाते हुए ला रहे हैं। क्या करेंगे ताबिश, 7-7 की स्कोर की बराबरी है। अल कुरैश उठाते हुए पतंग को, ताबिश भाई ने बाहर दिखाया है, अल कुरैश ने और पतंग उठाई, बिल्कुल दिलदारी से बाहर की तरफ मारा। बहुत अच्छा पेच काट दिया यहाँ पे अल कुरैश ने, क्या हो रहा है ये, अल कुरैश तो बिल्कुल तबाही मचाए दे रही है। 8-7 का स्कोर हो गया, एक पेच काटना है अब अल कुरैश को। क्या ताबिश, माफ कीजिएगा समीर, बचा पाएंगे अपने पेच, सिर्फ समीर का पेच बाकी है। शमीम है नीचे से और समीर है ऊपर से। दोस्तों ये आखिरी पेच होगा स्पीड के लिए, तो वहीं दो पेच बाकी हैं अभी अल कुरैश के पास। पहला ही राउंड है और अल कुरैश ने दे दी है पूरी टक्कर।
ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरे वाली बात हो गई है कहीं ना कहीं स्पीड के लिए। देखते हैं क्या होता है, क्या स्पीड रह पाएगी, क्या समीर काट पाएंगे। ये आखिरी पेच है पहले राउंड का। अल कुरैश 8 पतंगों के साथ आगे है, तो वहीं स्पीड ने अभी मात्र 7 पतंग काटी है। ऊपर जो पतंग चमका रहे हैं तेज तेज वो है समीर की, और नीचे हैं शमीम है अल कुरैश से। पतंग अपनी हटा रहे हैं, पेच कैंसिल हो गया, देखते हैं अगली बार। दोस्तों मेरी सिर्फ 3 बातें आप समझिए। पहला, जर्सी में रहिए, अपनी टीम की जर्सी रखिए, लोअर टी शर्ट में रहिए, शूज में रहिए। दूसरा, गुटखा पान मसाला सिगरेट का यूज बिल्कुल भी ना करें, ये खेल है और खेल की पूजा की जाती है, खिलाड़ियों द्वारा बदनाम नहीं किया जाता है। तीसरा है, अपनी टीम के साथ खेले ना कि भाड़े के टट्टुओं के साथ। चलिए देखते हैं क्या होता है फाइनली। शमीम भाई हैं दोस्तों, और स्पीड को काटने हैं 2, शमीम भाई को काटने हैं अल कुरैश से 1। देखना है क्या होता है, पहला ही राउंड है, बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है और दोनों ही टक्कर की टीमें लड़ रही हैं पहले ही राउंड में डी पूल पे। चलिए दोस्तों एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। शमीम भाई नीचे से हैं, ऊपर से हैं समीर, पूरे 2 पेज काटने हैं स्पीड को, नहीं तो पहले ही राउंड में बाहर हो सकती है। शमीम भाई धीरे धीरे हाथों से नीचे चलते हुए, क्या होगा, दिग्गज प्लेयर दोनों लखनऊ के। अल कुरैश ने बिल्कुल दिखा दिया है कि पैतरे सही हो तो नाम मांझा काम आता। बिल्कुल नीचे मारा है उन्होंने, पट किया है नीचे की तरफ, क्या होना है, अंदर हाथ की तरफ दिखा रहे हैं, क्या करना है। चलिए समीर ने पतंग चमकाई, नीचे रखा झोल पे, बाहर की तरफ चला रहे हैं, तेज ताकत से पेच काट दिया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी है समीर ने, और अंदर कहीं ना कहीं गलत तरीके से एंगल पे लाए थे ये पेच को, और शानदार ये पेच काट के बराबरी कर दी है 8-8 की। एक पेच ऑल इन ऑल ये तो भैया बहुत ही हॉट है मैच। तो ताबिश भाई मिलने जा रहे हैं अल कुरैश की टीम से, यहाँ पे एक खेल भावना का प्रदर्शन किया है यहाँ पे अल कुरैश ने, और आखिरी पेज पे वॉक ओवर दे दिया है। तो लखनऊ की दोनों टीमें हैं और दोस्तों इस तरह से स्पीड नेक्स्ट राउंड में पहुंच चुकी है, क्योंकि अल कुरैश ने दे दिया है वॉक ओवर और खेल भावना का जो है अपना प्रदर्शन किया है यहाँ पे, काफी टक्कर दिया था अल कुरैश ने। क्या कहना चाहेंगे अल कुरैश ने जो ये स्टेप लिया है? बहुत अच्छा डिसीजन है, अपने लखनऊ के अच्छे क्लब को हमेशा हर खिलाड़ी को सपोर्ट करना चाहिए, इसमें कोई हार जीत की कोई बात नहीं है, ये बड़प्पन होता है। बिल्कुल, क्या समझे, अगर हमारा अच्छा क्लब आगे तक जाएगा तो उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा शामिल होगा। क्या कहने बिल्कुल नाम होगा लखनऊ का। ताबिश भाई इनके डिसीजन पे अब आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई भी अपने ही हैं, इसमें हम क्या बोले भाई, भाई की लड़ाने की मर्जी नहीं थी, लेकिन भाई ने समझ लिया ये करके और हमसे बड़े हो गए, मतलब कह के।
वो कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बदल दीजिए उसे अल कुरैश कहते हैं। ये वो भावुक पल है, ये वो क्षण है जिससे गेम आगे बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है। ये खेल की वो भावना है जो हर खिलाड़ी में होनी ही चाहिए। ये वो पल था जब अल कुरैश ने दिखाया कि हम लखनऊ की बड़ी टीम को आगे जाने देना चाहते हैं। ये टूर्नामेंट है, कोई भी काट सकता है, ये अल कुरैश समझ रही थी।